good morning students today is a video that related to the nouns and uh, uh, my earlier video that uh, Poonam will send you yesterday regarding the nouns as well so in yesterday video we learned about common and proper noun and today also i am presenting you another video that related to the noun about collective noun so we already done with the common and proper nouns and abstract noun so i hope uh, it will be very much clear about you what is common and proper noun and where to use abstract noun and i also told you about the exercises that you have to done in your uh, home and प्लीज़ सेंड मी दी एक्सरसाइजिज फोटोग्राफ्स वेल यू आर डूइंग इन योर होम सो प्लीज़ कंटिन्व द होम वर्क इन योर होम वेन वी आर ऑफलाइन कमिंग टू द स्कूल ऑल दी होम वर्क्स ऑल दी एक्सरसाइज विल चेक दैट जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं दैट रिलेटेड टू दी एक्सरसाइज होम वर्क्स एंड कीप डूइंग ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोटबुक्स दैट Very much uh, that relative to you about your courses, about your slavers, about your PTs and uh, test and your uh, yearly examinations. So it will be help to you. And when we meet offline, so all the answers on all the notebooks and books will check. Okay, and uh, so today as presenting my second video about noun so what we learn about a uh, uh, noun collective noun today topic is collective noun okay what is collective noun and uh, हम किसको बोलते हैं वेर टू यूज कलेक्टिव नाउ बेसिकली कलेक्टिव से आप मतलब समझ रहे हो कि कलेक्टिव कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से आया है कलेक्शन आपने सुना है कलेक्शन कलेक्टिव ठीक है अब कलेक्शन से आप क्या मतलब समझते हो कलेक्शन हो गया कि आ, आप उसको ग्रुप भी कह सकते हो और मतलब कलेक्शन हो गया इट्स सो मेनी ऑफ अमाउंट्स द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है और जो जिसको हम पर्टिकुलर एक मतलब इस तरीके से नहीं कह सकते हम एक एक करके उसको नहीं आ, बात कर सकते हैं राइट हम उसको कलेक्शन में ग्रुप में हम उसके बारे में बात करेंगे उस नाउन के बारे में बात करेंगे तो वो गया कलेक्टिव नाउन कलेक्शन आप मतलब समझो कलेक्शन से राइट सो so, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टीम ठीक है तो टीम हम किस को बोलते हैं सपोज वेन यू आर पार्टिसिपेट इन योर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन तो uh, हम क्या बोलेंगे अगर आप एक ठीक है हम क्या बोलेंगे वहाँ पर लिसन uh, टीम तो आप वहाँ पे क्या हैं आप टीम हैं क्रिकेट टीम क्रिकेट की एक टीम है उसमें टीम में कितने लोग होते हैं एलेवन मेंबर्स होते हैं ना एलेवन मेंबर्स इन एनी लाइक क्रिकेट टीम एनी कंट्री तो उसमें क्या होता है एलेवन होते हैं तो हम क्या होते हैं वो एक टीम होती है पूरी कि क्रिकेट टीम आज वहाँ पर जा रही है क्रिकेट टीम आज यहाँ पर खेलेगी इसी तरीके से आप अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन सुनते हैं जब मैचज वगैरह होते हैं क्रिकेट के तो हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लेकर के नहीं बहुत हैं बात कर रहे हैं कि आज आ, मतलब ये पर्सन स्पोर्ट पर्सन वहाँ जा रहा है ये पर्सन वो पूरी टीम के साथ वहाँ पे जाते हैं ठीक है जब इंडियन टीम प्ले ग्राउंड में आती है तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडियन टीम अब टॉस जीती है या इंडियन टीम ने टॉस को लूज़ किया है उसने इंडियन टीम विल चूज़ बैट इंडियन टीम चोज फील्डिंग तो वहां पे इंडियन टीम बोला जाता है तो वहां पे क्या है टीम क्या है एक कलेक्टिव नाउन है टीम क्या हो गया अब वो इलेवन पीपल्स का कलेक्शन हो गया ना ग्रुप हो गया उनका तो फॉर एग्जाम्पल वेन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन सच एज क्लास Army, crowd, flock, it is called a collective noun. ठीक है जब हम आ, मतलब किसी consider as one, हम बहुत सारी चीजों को हम जब किसी बहुत सारी चीजों को एक एक में कंसिडर करते हैं अब जैसे ग्यारह लोगों की टीम है उसको हमने एक में कंसिडर किया है टीम में ठीक है वो एक एक इंडियन टीम बन गई है तो एक इंडियन टीम बन गई तो टीम क्या हो गया कलेक्शन कलेक्टिव नाउन हो गया i met a herd of elephants in the way herd मतलब कि i met a herd of elephants in the way मतलब बहुत सारे एक झुंड हो गया elephants का मैं अपने रास्ते में a flock of swans flew across the sky बहुत सारी swans ठीक है मतलब बंच में बहुत सारी बंचस हम बोलते हैं किसको बंचेस बोलते हैं आ, हिंदी में अगर बंचेस की बात करूं तो हम उसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल फ्लावर के जो बंचेस होते हैं जो बुके वगैरह हम आ, किसी फंक्शंस वगैरह में किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या है बंचेस हैं फ्लावर्स का एक बंच है पूरा एक बंच ठीक है एक गठी या हिंदी में एक वर्ड और होता है उसको हम बंचज बोलते हैं तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया ठीक है द आर्मी डिफिटेड एनिमी अब आर्मी क्या है आर्मी बहुत सारे लोग अब आर्मी क्या होगी आर्मी बहुत सारे लोगों के लिए होगी ना बहुत सारे सोल्जर्स उसमें वर्क करते हैं अब उसमें फिर किसी एक का नाम नहीं ले ले सकते अगर सपोज कि कहीं पे वार हो रही है ठीक है इंडियन एंड पाकिस्तान या और किसी कंट्री के साथ हो रही है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि इंडियन आर्मी लाइक डिफीट द एनिमीज़ और ये सारे तो इंडियन आर्मी के बारे में बात हो रही है तो जब हमने क्या किया हमने पूरे एक कलेक्शन को इंडियन आर्मी के हर एक पर्सन को उसमें इंक्लूड कर लिया हमने उसको कंसीडर कैसे किया एज वन कंसिडर हमने एक में कलेक्ट उसको काउंट किया crowd. Crowd है ठीक है क्राउड क्राउड होता है भीड़ तो अ ग्रेट चीयर वेंट अप फ्रॉम दी क्राउड तो क्राउड क्या होगी भीड़ तो भीड़ भी क्या हो गया कलेक्शन हो गया ग्रुप ऑफ पीपल्स ठीक है जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स जहां पर है उसको क्या बोलेंगे क्राउडेड एरिया है क्राउडेड प्लेस है तो वो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन ठीक है द वर्ड्स हर्ड आर्मी क्राउड एंड फ्लॉक आर कलेक्टिव नाउन बिकॉज दे आर दे आर द नेम्स given टू अ कलेक्शन ऑफ nouns एलिफेंट शिप और goats, बर्ड्स सोल्जर्स पीपल्स ठीक है तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए कलेक्टिव नाम्स हो गए बिकॉज ये क्या कर रहे हैं एक मतलब इन सब को एलिफेंट शीप्स गोट्स को एक अप एक नाम दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमने क्या देखा है सोल्जर्स क्या है सोल्जर्स बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो उनको हमने एक आर्मी का नाम दे दिया राइट सो दिस इज अबाउट कलेक्टिव नाउन अब नेक्स्ट दिस इज द एक्सरसाइज वे टू फाइंड आउट दी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन सो दीज आर द्वेल्व एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ एंड सेंड मी द पिक्चर्स एंड देन आई सेंड यू दी आंसवर्स फॉर दैट अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी मैं अभी रेडियो के एंट में आपको एक बार ये रिवाइज भी करा दूँगी और इधर यू वॉन्ट बी अ जूम मीटिंग तो हम इसके लिए एक जूम मीटिंग भी रख लेंगे आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी नाउन के बारे में ही है लेकिन वो थोड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम अभी जो मेन जो चैप्टर है वो यही है तो इसीलिए आप इसको जितना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उतना अच्छे से आप ये एक्सरसाइजेस कर पाएंगे अपने घर में शो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर दे आर काउंट टेबल एंड अनकाउंटेबल अब और क्लासीफिकेशन क्या हैं नाउंस की काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस अब काउंटेबल से मतलब आप समझ रहे हो कि जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं राइट right? अनकाउंटेबल जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं अब काउंटेबल कैसे हो गया जैसे कि एप्पल फ्लावर्स पेन कंप्यूटर बुक पेंसिल ये सारी चीज़ें क्या होगी काउंट चीज़ें होंगी अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स रखी हैं तो वी कैन काउंट ईजी वे ना हम उसको काउंट कर सकते हैं पेन है हमारे पास एक बॉक्स में कितने पेन है हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं एक लैब में कंप्यूटर्स कितने रखे हैं हम उसको इजी काउंट कर सकते हैं तो वी से वन बुक टू बुक्स फाइव बुक्स एट्सेट्रा राइट काउंटेबल नाउंस कैन बी सिंगुलर और प्रूरल अब वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्रूरल भी हो सकते हैं राइट right? सेकेंड अनकाउंटेबल अब इससे आप इजिली समझ रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउंस क्या होते हैं जो चीजें काउंट नहीं हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल मिल्क है अब मिल्क की आप मेजरमेंट कर सकते हो कि वो एक लीटर है दो लीटर है लेकिन आप अगर एक ग्लास में मिल्क है तो आप उसको काउंट कैसे करोगे वन टू थ्री फोर नहीं कर सकते राइस है राइस आप काउंट नहीं कर पाओगे एक एक राइस कैसे उठा के काउंट करोगे हाँ उसका आप वेट काउंट कर सकते हो ठीक है पेट्रोल है पेट्रोल आप काउंट नहीं कर सकते हो वो लिक्विड फॉर्म में है आप उसको उसको मेज़र कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप मेज़र कर सकते हो इन वर्ड्स किलो ये सारी चीज़ें गोल्ड है गोल्ड आप काउंट नहीं कर सकते हो ऑनेस्टी ऑनेस्टी ईमानदारी दोस्ती ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते वी कैन नॉट से वन मिल्क टू मिल्क फाइव मिल्क एंड सो वन हम इस तरीके से बात नहीं करते अनकाउंटेबल जो नाउंस होते हैं डो नाट हैूरल नाउंस ऑब्सट्रैक्ट नाउंस आर नेम ऑफ सबस्टेंसेज अन अन अनकाउंटेबल नाउन इन मोस्ट केसेज मतलब अनकाउंटेबल नाउंस में आपको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मिल जाएगा ठीक है और नेम ऑफ सब्सटैसेज आर अनकाउंटेबल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी गोल्ड है पेट्रोल है सबस्टेंसेस के नाम हैं ना ये अनकाउंटेबल हो गए राइट तो दीज आर दी अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स सो काउंटेबल नाउंस क्या होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउनस वो होते हैं जो काउंट नहीं कर सकते हैं शॉर्ट आई थिंक दिस चैप्टर विज वेरी मच क्लियर टू यू अबाउट दी एक्सरसाइजिज एंड अबाउट दी नाउंस एज वेल सो वट वी लर्न इन नाउन वी लर्न अबाउट कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन

कॉटन कॉटन आप काउंट नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये सारी एक्सरसाइज आपको घर पे करनी होगी एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को नाउन नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे नाउन के फोर काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे नाउन हमें पता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग ठीक है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन क्या होता है जो हम uh, मतलब कॉमनली किसी के बारे में बोल रहे हैं किसी का हम स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे हैं ठीक है लाइक अ वमेन मैन कैट और पेट और डॉग डोंकी ये सारे क्या है कॉमन कॉमन चीज़ें हैं ठीक है एनिमल्स कॉमन है और uh, मतलब हमने बात की कि फॉर एग्जांपल जैसे कि टाउन कंट्री तो ये सारी चीजें क्या है कॉमन uh, नाउन हो गई अगर मैं बात करती हूँ इंडिया तो इंडिया इज अ कंट्री ना तो हमने एक प्रॉपरली एक कंट्री को स्पेसिफाई कर दिया तो अब ये क्या बन गया इंडिया प्रॉपर नाउन बन गया राइट तो अब आप समझ रहे हो कि इंडिया इफ एम टॉकिंग अबाउट इंडिया तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन

and boy तो so, if I'm talking about a boy तो so boy is common no boy is a yes boy is a common noun and if I'm talking about the Harry तो so Harry is a proper noun ठीक है because यहाँ पे मैंने specify कर दिया कि I'm talking about Harry और यहाँ पे मैंने एक as a मतलब एक किसी भी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ फॉर अ रैंडमली टॉकिंग अबाउट ना तो बॉय इज अ कॉमन नाउन और दूसरी चीज हमें से याद करना कि जो प्रॉपर नाउन होगा इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर यस प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर श्योर दीज आर इन योर होम इन योर बुक एंड एबस्ट्रैक्ट नाउन वट इज एब्सट्रैक्ट नाउन एबस्ट्रैक्ट नाउन इज आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सट्रैक्ट नाउन तो आई एम टॉकिंग अबाउट सम थिंग दैट वी ओनली थिंक ऑफ ठीक है हम उसके बारे में बात करें जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं हम उसको टच नहीं कर सकते ठीक है तो दैट इज कॉल्ड एब्सट्रैक्ट नाउन फॉर एग्जाम्पल आई हम टॉकिंग अबाउट सम अबाउट द सम ह्यूमिनिटीज और ह्यूमैनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट दी काइंडनेस आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रेज इफ इफ आई एम लाइक अ प्रेज फॉर इफ़ आई एम ऑनर्ड सम अगर मुझे को किसी चीज़ के लिए मुझे ऑनर किया गया है तो वो ऑनर क्या है ऑनर इज़ एब्सट्रैक्ट नाउ ना क्योंकि वो तो सम्मान दिया गया ना किसी को अभी वो आप उसको उस उस खुशी को उस उस फीलिंग को उस एक्सप्रेशन को आप उसको आ, मतलब एक्सप्रेस नहीं एक्सप्रेस कर सकते और फील नहीं कर सकते फील कर सकते और टच नहीं कर सकते ठीक है किसी की ऑनेस्टी है किसी की डिसऑनेस्टी है किसी के अंदर चाइल्डहुड है बचपन हम कहते हैं ना कि बचपना है उसमें चाइल्डहुड ही इज़ लाइक बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड वो बच्चों की तरह बिहेव करती है या करता है तो वो उसका वो नेचर है ठीक है वो क्या है उसका नेचर है हम उसको छू नहीं सकते हैं। हम उसको एक जगह से दूसरे जगह पर रख नहीं सकते हैं सो दैट इज वो चीज़ के बारे में बात अगर होती है तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है एंड uh, हमने नेक्स्ट पढ़ा कलेक्टिव नाउन तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है वो नाउन जो uh, बात हो रही है जहाँ पे कलेक्शन की नंबर ऑफ पीपल्स की Uh, ठीक है और वो चीज़ की जिसको हम सिंगल uh, रूप में एक हम उसको सिंगल रूप में कंसिडर कर रहे हैं ठीक है बहुत सारी चीजों को हम सिंगल रूप में कंसिडर कर रहे हैं दैट इज दैट इज दैट इज कलेक्टिव नाउ फॉर एग्जाम्पल क्राउड टीम आर्मी ठीक है तो ये सारे क्या हो गए क्लास अगर मैं बात करूँ क्लास प्लीज ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास होल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुआ सिटिंग इन द्लास एंड टॉकिंग अबाउट टू होल ठीक है मैं सब के बारे में बात कर रही हूँ मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रही हूँ कि आ मतलब रवि तुम निकालो बुक या कंचन तुम निकालो बुक मैं हर एक पूरी क्लास को बोल रही हूँ कि क्लास प्लीज आ, ब्रिंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक टूमोरो कल सब अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके आइए राइट right? तो मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन अब हमने नेक्स्ट दो नाउन और पढ़े थे जो कि हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन है वो नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते ठीक तो दिस आर दी रिविजन ऑफ योर नाउन एंड अब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स एंड आई होप कि ये आपको हो जाएंगी अगर इफ़ यू हैड एनी प्रॉब्लम वाइल यू आर रीडिंग और वाइल यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेज देन प्लीज़ मैसेज योर क्लास टीचर एंड शी विल मैसेज मी अबाउट द थिंग्स एंड सेंड योर फोटोग्राफ्स अबाउट दी एक्सरसाइज वेन यू डन तो प्लीज़ आप उसका फोटो क्लिक करके आप उस मैम को सेंड करें एंड मैम मुझे सेंड करेंगी एंड वाइल यू आर सेंडिंग द फोटोग्राफ्स आप उसमें नाम लिखें अपना क्लास लिखें और uh, मैम को सेंड कर दें छो चलो ठीक है वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू दी नाउंस एज वेल